जो विंच का हुक है, देख लो टायरों की क्या हालत हो गई है। तभी कहते हैं विंच से थोड़ा दूर रहा करो। रामनाथ ठीक है, ये वाली भी दस रही है इसके क्लच में शायद। यहाँ से आपकी गाड़ी में शैकल बड़ा है? शैकल मेरी में नहीं, अंतरिक्ष भैया ने ट्राई मार ली है इस पे। ना ना फेंडर के साथ अटैच हुआ। दस कैसे रहा है ये देखो। सबसे पहली जो ये गाड़ी है मेजरली ये गाड़ी फंसी हुई है, और वो स्कॉर्पियो है वो फंसी हुई है। बाकी सफारी को हम बहुत मजा आने वाला है। सफारी सफारी फंसी हुई है, सफारी निकली हुई है पूरी। हाँ उसको रिवर्स करके निकाल देंगे। तो चलिए गाइस जब भी निकल रहे हैं इसको, और इस बार विंचिंग की टेक्निक अलग है। देखो जो विंच का हुक है वो वापस रिकवरी गाड़ी के साथ ही लगाया गया है ताकि इस पर ज्यादा पुल लगे। तो देखते हैं, मतलब इस तरह की टेक्निक जो मैंने पहले नहीं देखी है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें। मैं अगल लगा दो पक्का नहीं हट, क्या चक्कर स्लो काम कर रही है। ओके सो ये रहा जी विंचिंग टेक्निक। रजत भैया थोड़ा सा टायर उस साइड करवाओ इनका। हाँ थोड़ा सा, आगे आगे ऊपर आ रही है। क्योंकि अगर देख लो टायरों की क्या हालत हो गई है। ऑलमोस्ट आउट, अब गाड़ी जो है बाहर आ चुकी है। आगे बार चलो सर मेरे को लग रहा है पूरा सिर यहाँ का। तो गाइस ये बेसिकली मैं इसको तो देख नहीं पाया। एक दिन ये टेक्निक लगा के हम साहिल भैया की गाड़ी भी निकाल रहे थे, लेकिन साहिल भैया हमारी टेक्निक में कुछ गड़बड़ थी, हमने बीच में एक तीसरी गाड़ी डाल दी हुई थी भैया। वो तभी तभी हम एक गाड़ी के साथ करते हैं। हाँ पर उसके लिए हमें ये औजार भी तो चाहिए। नहीं हमारे पास एक ऐसा था तो सही। हाँ हाँ रेड कलर का, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला है, हमारा उतना अच्छा वाला नहीं था, बट काम कर सकता था वो। चलो आगे आगे घुमा के हैंडल उस साइड पूरा। हाँ बस जान दो बस, नहीं बस खींच के बस 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 इधर से निकाल लेंगे आप। चलो सारी निकल गई। अच्छा एक स्कॉर्पियो रहती है अभी अपनी सफारी को भी ट्राई करवा लेते हैं। तो अभी मारेंगे ट्राई सफारी के साथ। इसको हाई पे रखो यार, ये ट्रैक बंद हो गया। नहीं नहीं अगे तक लग रहा ही नहीं है। मालो को मालो मालो
स्कॉर्पियो बनानी चल जिप्सी वाले बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल है ना स्कॉर्पियो बनानी है स्कॉर्पियो बनानी चल किडनी मारना पहले यहां तक लाना फिर दबानी जितना हो सकता था उतना आपको दिखाया किया। तो बेसिकली अभी क्या है कि हैवी गाड़ी है ना, मुझे आइडिया नहीं है, मैं लो में चलाता हूँ गाड़ी हमेशा, बट इसमें लो डालते हैं तो ये ज़्यादा आवाज़ करती है, हाई में क्लच में बंद हो जाती है मेरे से। तो चलो कोई मसला नहीं है, अभी सीखने का बहुत टाइम है, तो फिलहाल निकालते हैं स्कॉर्पियो को। हाँ जी शाजू भाई, क्या यार जैसा वो आगे से बोले तार सीधा, बस बस इसको जरूरत नहीं है गियर की, ये बड़ी कम सी दसी थी। नहीं नहीं उधर नहीं जाना है, बाहर ये भी ये कह रहे हैं यहीं से 4x2 में। नहीं टायर नहीं काटो, जाएगी किस तरह, ओपन डिप है, 4x2 है। लाओ जी राजू भाई, क्या क्या किया, 4x4 डालो ना यार, 4x4 ही डाल रहे हैं, 4x4 की बात कर, दूसरा नहीं है कि 4x4 डलेगा, फिर से देखो फंस रही क्योंकि 4x2 का थोड़ा सा रहता है, बाकी अभी अपनी वाली भी निकली नहीं है, उसको भी निकालना। सो गाइस मैच शुरू हो रहा, अलग ही है, अलग शुरू आ रही है, क्या यार रूबी रूबी है। अभी बैठ गए तेरी भैया द 4x2 स्कॉर्पियो एक्सपर्ट, धरती में सब पानी आ गया। ओए होए होगा कितना, ये क्या किया आपने, अच्छे तो हो आप, अभी मैं तो बैठा ही नहीं, इधर मेरी फंस जा रही है पीछे, लगवा दो चुप करके, इधर मेरी फंस जाएगी फिर। टूटी
नहीं से खुल गया होगा। सभी कहते हैं विंड से थोड़ा दूर रहा करो। नहीं स्लिप ही हुई है लेकिन चूड़िया ही वो होगी ना। शुक्र करो कोई बिच नहीं है। देखो लगा अच्छे तो यार नेचर भी अच्छा है आपका। शीशा पूरा खुल जाना है वापस होने का मैं ना पर जड़ी जड़ी वेल डन वेल डन। मैं लेना आऊंगा किड नहीं मारना किड मारो बैठ जा किसी बस भाई तेरा को हाई। नहीं यार हाई है कट सफारी है ये नहीं मानती हाई। आपने 15 साल चलाई चलो आपने खुद ही निकालो रहने दो। 16.5 आज 16.5 प्लस एक दिन हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे जाने दो और बस चलिए गाइस फिलहाल क्या है कि निकल गई। तो एक्चुअली क्या है यार जैसे मैंने आपको बताया ना मेरा गाड़ी चलाने का शायद गलत है या सही है बट क्या है मैं हमेशा लो में ही गाड़ी चलाता हूँ। हाई में मैं क्लच के साथ उतना नहीं खेल पाता तो अभी लो में मैंने गाड़ी लाई और आपने देखा कितने आसानी से वो चढ़ गई बिना किसी हसल के। और पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है। मैं कोल्ड ड्रिंक का पता आपको पीता ही नहीं हूँ। हाँ शुरू कर लो शाम वाली पीते हैं ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। सो गाइस अभी दिगी भैया कुछ जानकारी दे रहे थे हमें सफारी के लिए। सफारी के पुराने ओनर कह रहे हैं इससे दमदार गाड़ी नहीं है कोई और महंगी भी कहते हैं हाथी पालने दरवाजे बड़े रखो। दरवाजे तो है ही नहीं बोझे जड़े फटी जाते सारे। अच्छा चलो कोई नहीं बट चलो ठीक है ओवरऑल गुड शो। ऑफ रोड जो है हमारा हो चुका है और ये अभी सालिया क्या कर रहे हो अभी क्या है कि ड्रोन उड़ाएंगे क्योंकि सब लोग यहाँ गाड़ियाँ बढ़िया लगी हैं बढ़िया लगेगा। तो चलो फाइनली खाना वाना खाने के बाद अब निकल चुके हैं यहाँ से। यहाँ आगे तमाशा देखना यहाँ पे ये ऊपर चढ़ रहे हैं देखना ये तो चढ़ गए। मानिक भाई देखते हैं अभी मानिक कह रहे हैं रास्ता देखना नहीं इस बार चढ़ गए पहले कैमरा बंद था दो तीन बार ही गिर गए। तो चलो ठीक है अभी निकलते हैं। अभी कह रहे हैं यहाँ से ट्रैक आगे कवर करना है। मैं आ गया हूँ ड्राइवर सीट पे आ गया भैया। उधर रहता कुत्ता आया ये कैसे आया ये वो जो सफारी जब वो ये गाड़ी से लगी शीशा खुला था इसका ले जाओ मेरे को कहाँ इधर जगह नहीं है मेरे को जो 40 किलो मेरा वेट नहीं है मैं ऐसे रुक जाना है। सो गाइस मानिक भाई आ चुके हैं हमारे साथ चलो आगे चलेंगे भैया आज फुल फील लो आज मजा लो यार। तो चलिए गाइस जिप्सी जा रही है शू शू करते हुए और पीछे देखो जिमनी में। अच्छा लाइफ है तो जिमनी में बिल्कुल भाई क्या बात है मानी भाई यार पहली बार बैठे हैं गाड़ी गाड़ी एकदम पसंद है मतलब मैं पीछे पहली बार बैठा हूँ आगे मेरे को अच्छा लगा बट पीछे भी अच्छा लगा भाई। मानी भाई फिर स्कॉर्पियो के साथ एक्सचेंज कर ले। हाँ जी भैया अभी यार क्या बात कर रहे हैं दिल खुश कर दिया एक उधर चले जान दो बस ब्रेक नहीं लगाना
छोड़ना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, जान दो रेस नहीं छोड़नी, रेस नहीं छोड़नी फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से, बट आई बिलीव कि ये रास्ता शायद बंद है, फिर कहाँ जा रहे हैं समझ नहीं आ रही है। चलो देखते हैं।